वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर पूरी तरह से आश्रित है। विभाग अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम भी कर रहा है, लेकिन ऐसी लापरवाही जिस पर अगर विभाग ध्यान दे तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। इसी तरह के लापरवाही को कोडरमा से दिखाते हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोडरमा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र उपयोग में लाने से पहले ही जर्जर हो चुका है। भवन पिछले लगभग 10 साल से कोमा में जा चुका है। जिले के गजंडी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। उप स्वास्थ्य विभाग का भवन निर्माण होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सौंप भी दिया गया। विभाग को उप स्वास्थ्य केंद्र सौंपे हुए लगभग 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस भवन का उपयोग स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है। हमको कुछ पता नहीं है, हम आए हैं उससे पहले ही बन के तैयार था और जो स्थिति में अभी है वही स्थिति में पहले था, करीब 9 साल। जिले के गजंडी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लाखों रुपए की लागत से कराया गया। लगभग 10 साल तो हो चुके हैं। केंद्र के चारों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां हैं। केंद्र के मुख्य गेट तक जाने का रास्ता पूरी तरह से झाड़ियों में छिप गया है। अब ये हालत कब तक बनी रहेगी ये तो कहना मुश्किल। कई एक बार डॉक्टर या प्रभारी को संज्ञान में दे चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ चूंकि रिमोट एरिया है, हम लोग बार बार निवेदन किए हैं प्रभारी से कि यहाँ एक डॉक्टर आप स्थापित कीजिए। झारखंड जब से बना है सर, तब से अभी तक का कोई आपने देखा नहीं जा रहा सर। और दुर्गामी क्षेत्र जंगली के कारण सर हमारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। अगर किसी को सांप भी काट लेता है तो यहाँ से 19 किलोमीटर सदर कोडरमा जाने पड़ता है। वहीं कोडरमा सीएस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग भवन को अपने जिम्मे बहुत पहले ले चुका है। उन्हें भी सूचना है कि नया भवन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये जर्जर भी हो चुका है। केंद्र का हैंडओवर हो चुका है, लेकिन वहाँ मतलब हैंड्स नहीं रहने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे, रास्ता नहीं है, हैंड्स नहीं। कोडरमा के गजंडी में स्वास्थ्य विभाग के बने नए भवन में वर्षों से कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में पुराने बिल्डिंग में ही जो डॉक्टर हैं वो कार्य करने को विवश हैं। ऐसे में जरूरत है एक जागरूक समाज और सरकार की जो ऐसे कोमा में पड़े भवनों को फिर से एक नई राह दे सके। वर्षों से बंद पड़े इस भवन के चारों तरफ झाड़ियां लगी हुई है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जिस मकसद से ये भवन बनाया गया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। सहयोगी रंजय के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा।